हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त बिंदु और आज मैं वापस एक नए वीडियो के साथ बिल्कुल ब्रांड न्यू एक प्रोडक्ट के साथ आया हूं और वो प्रोडक्ट है म्यूजिक से रिलेटेड। मेरी लाइफ का ये पहला प्रोडक्ट है जो म्यूजिक से रिलेटेड है। जी हां, मैं पहला बार म्यूजिक से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट खरीदा हूं जिसका अनबॉक्सिंग करना काफी जरूरी हो गया था क्योंकि ये है ही ऐसा एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। और ये और कुछ नहीं है भाई, ये है वो कीबोर्ड जिसको लोग पियानो भी कहते हैं, जिसको लोग कीबोर्ड भी कहते हैं, जिसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये है वो कीबोर्ड जो फ्यूचरिस्टिक है और नेक्स्ट जनरेशन इसको कह के रोली बेचता है। ये रोली ब्रांड का है जो एक अमेरिकन ब्रांड है, म्यूजिकल ब्रांड है, बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये सस्ता कीबोर्ड नहीं है, पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये एक महंगा कीबोर्ड है और नेक्स्ट जनरेशन कीबोर्ड है। इसका जो मॉडल है वो रोली का सीबोर्ड ब्लॉक है। ब्लॉक इसलिए है क्योंकि बहुत सारा कीबोर्ड को आप अटैच कर सकते हैं सेम कीबोर्ड को एक दूसरे से और बिना वायर का, सिर्फ मैग्नेट के थ्रू अटैच हो जाता है। एक दूसरे से कीबोर्ड को सटाते जाइए और ये अटैच होते जाएगा। और ये 24 कीज का कीबोर्ड है, इसमें टोटल 24 कीज है और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है आपके लैपटॉप से और आपके लैपटॉप का स्पीकर से बजता है, या फिर अगर आपके पास अलग से कोई ब्लूटूथ स्पीकर है तो उसके थ्रू आप आवाज निकाल सकते हैं। इसका अपना कोई स्पीकर नहीं है, तो बजाने के लिए आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है या डेस्कटॉप होना जरूरी है, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये पहला ड्रॉबैक कह लीजिए या इसका एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट कह लीजिए, तो जो भी आप इसको कर सकते हैं। और ये कीबोर्ड आता है टोटल 25,000 का। इससे सस्ता सस्ता कीबोर्ड मार्केट में ऑलरेडी है, कैसियो का है, यामाहा का है, अकाई का है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है, बहुत सारा अलग अलग ब्रांड है जिसका है, जिसमें फिजिकल कीज रहता है, लेकिन इसमें कोई फिजिकल कीज नहीं, इसमें एक्सप्रेसिव टच बार है। आप इसको छुएगा तो आपका आवाज आएगा, अलग अलग तरह का आवाज आएगा। 5D टच है। 5D टच मतलब कि एक ही कीज को पांच अलग अलग तरीके से टच कीजिएगा, पांच अलग अलग तरह से आवाज आएगा। जैसे आप एक बार ऐसे प्रेस किए तो आवाज आएगा, और उस प्रेस को ही अगर आप लेफ्ट और राइट की तरफ स्लाइड करते हैं तो दूसरा डायमेंशन हो जाता है, तो वो अलग आवाज आएगा। लेफ्ट की तरफ अगर आप दबा के और आगे की तरफ स्लाइड करते हैं तो तीसरा डायमेंशन हो गया, तो वो तीसरा आवाज आएगा। स्लाइड करने के बाद फिर राइट की तरफ स्लाइड करके और लेफ्ट की तरफ स्लाइड करके दोनों स्लाइड को अगर आगे बढ़ाते हैं तो चौथा डायमेंशन हो जाता है। और इस तरह से अगर आप पूरा कीज को एक बार में स्लाइड करते हैं तो ये पांचवा डायमेंशन हो जाता है। तो इस तरह से पांच तरीके से आप आवाज निकाल सकते हैं टोटल 24 कीज के अंदर। और बहुत ही मजेदार है, इसका अपना सॉफ्टवेयर भी है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका ये कनेक्ट होता है आपके लैपटॉप से और उसमें बहुत अलग अलग तरह का म्यूजिक है, मतलब फाड़ू म्यूजिक है यार। मुझे आता तो नहीं है कीबोर्ड बजाना, मेरे लिए पहला मतलब प्रोडक्ट है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, और मुझे सीखना होगा कैसे इसको चलाया जाता है। तो फिलहाल इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। और प्राइस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ और इसको मैं अमेजन से ऑर्डर किया था। बहुत ही मतलब आज मेरे लिए खुशी का दिन है, तो चलिए आइए आप मेरे साथ और इसका करते हैं आज अनबॉक्सिंग वीडियो और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान मिलता है। अनबॉक्सिंग करने के लिए आपको कुछ वैसे ही एप्पल के प्रोडक्ट के जैसा इसको भी अनबॉक्सिंग करना होगा, जैसे एप्पल का प्रोडक्ट का पैकेज होता है। और ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये है वो हमारा कीबोर्ड रोली सीबोर्ड ब्लॉक, और ये है प्लस वॉल्यूम और ये माइनस वॉल्यूम का बटन है, और ये सारा वो कीज है भाई, यही देख लो ये कीज है। और ये कहीं पर भी इसको आप प्रेस करोगे ना तो आपको आवाज करेगा। ये चारों तरफ से स्लाइडिंग का है और ये कीज है, टोटल 24 कीज है। चलिए कीज काउंट करते हैं कि है 24 की नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये एक चारों तरफ से जो कीज है वो 24। तो ऐसे इसका 24 कीज होता है। अब इसको निकालते हैं बाहर, देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। बहुत हल्का है यार, बहुत लाइट वेट है। और ये देखो, यही है वो कनेक्टर जिसके थ्रू आप इसको अटैच कर सकते हैं अलग अलग, इसका जो मॉड्यूल आता है उससे। साइड में भी है, यूएसबी सी दिया हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि यूएसबी सी है, मुझे तो यूएसबी सी ही लाइफ में अब चाहिए ही चाहिए, और तो कुछ चाहिए भी नहीं। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन, यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखो बैटरी अभी फुल नहीं है इसलिए रेड दिखा रहा है, और ये इसका ब्लूटूथ डिवाइस को ये सर्च कर रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है ना ब्लू का, ये ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च कर रहा है। और इधर से भी आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं आपको बताया था ना कि अलग अलग ब्लॉक को आप अटैच करते जाइए, जो इसके थ्रू अटैच होगा यही है वो पोर्ट, इसके थ्रू अटैच होते जाएगा। तरह से ढेर सारा आप ब्लॉक को अटैच कर सकते हैं। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 24 घंटा है, 24 घंटा एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये चलेगा। तो इसको रखते हैं फिलहाल इस तरफ साइड में और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो ये है यूजर मैनुअल, इसका यूजर मैनुअल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे यूज करेंगे। इसका यूजर मैनुअल एक बार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे भी जो भी कुछ पता है वो यूट्यूब वीडियो देख के ही पता है और इसके वेबसाइट पर जाने के बाद पता चला था। और ये इसके साथ कुछ एक और है, इसको भी देखना होगा। ये क्या है ये देखते हैं। अच्छा, इसके साथ जो सॉफ्टवेयर आया है ना, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप से, उसका ये ओरिजिनल की है इसके अंदर, जो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से और ये की को वहां पे डालिएगा। जो अभी बेटा वर्जन होगा वो फुल वर्जन हो जाएगा। और ये है वो स्टिकर जो मेरे आप लैपटॉप पे भी देखे हैं, पीक डिजाइन का स्टिकर, जो मैं पीक डिजाइन का अपना बैग खरीदा था उसके साथ दिया था। तो अभी ये रोली के साथ एक और स्टिकर आया है, इसको मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे जितने सारे स्टिकर है ना, सारे स्टिकर को मैं एक बार अपने लैपटॉप पे चिपका के एक बार वीडियो इसका भी अलग से बनाऊंगा, तो आप उस पर भी देखना कि कैसा दिखता है वो मेरा। और ये एक आता है यूएसबी सी केबल, क्योंकि ये यूएसबी सी के थ्रू ही आप इसको मतलब चार्ज कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी सी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन सामान चाहिए,
इसको यूज करने के लिए लैपटॉप, कीबोर्ड और स्पीकर। लैपटॉप का स्पीकर थोड़ा स्लो है, थोड़ा कम है, इसलिए एक्सटर्नल स्पीकर को यूज करना जरूरी है। इसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर वीडियो आएगा जब मैं एक तरह से सीख जाऊंगा। तो फिलहाल तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो। बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी का इसका बिल्ड क्वालिटी है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट है। ये हर एक कीज जो इसका है ना, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये कीज को प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ है, जैसे टेडी बियर होता है उस तरह का है। यूज करने के बाद ही आपको ज्यादा मतलब एहसास होगा कि किस तरह का है। मैं भी पहला बार इसको भी यूज करूंगा तो ज्यादा तो कुछ मैं इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि हाथ में लेने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मतलब ट्रेडिशनल कीबोर्ड है, ये बिल्कुल मतलब फ्यूचरिस्टिक तो लग ही रहा है। ये जैसा ये लिखता है रोली कि ये नेक्स्ट जनरेशन कीबोर्ड है, नेक्स्ट जनरेशन तो सही में लग रहा है देखने के बाद। अच्छा बात यह है कि बहुत सारा कीबोर्ड ब्लॉक को मतलब कीबोर्ड मैं इसको बेकार बोल रहा हूँ, सीबोर्ड का नाम है रोली का, सीबोर्ड ब्लॉक ये मॉडल है, तो बहुत सारा ब्लॉक मॉडल को आप एक दूसरे से अटैच करके एक लंबा सा कीबोर्ड बना सकते हैं, सीबोर्ड बना सकते हैं सॉरी। 200 इसके साथ मतलब म्यूजिक आता है फिलहाल जो इसका सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में, और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और ज़्यादा म्यूजिक इसमें ऐड होते जाएगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मेरे लाइफ का, मेरे फिल्म मेकिंग कैरियर का, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। और आगे भी मैं इसका अपना फर्स्ट इंप्रेशन या फिर इसका 1 month एक्सपीरियंस, 2 month एक्सपीरियंस इस तरह से कुछ अगर ऐसा होगा तो मैं इसको यूज करने के बाद ही आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना और लाइक तो जरूर करना वीडियो अच्छा लगेगा तो, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी करके जाना ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पे चेंज करना है, अपने वीडियो में क्या क्या सुधार करना है। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना कि क्या क्या आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है मेरे वीडियो में ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। और अपने दोस्तों को भी शेयर तो जरूर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।